बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब बहन भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैरियत से। अल्लाह पाक सबको हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ दे। तो इसी के साथ करती हूँ जी आज की वीडियो शुरू। अभी पीने लगी थी चाय, पहले चाय पीती हूँ फिर उसके बाद जो भी सीन हुआ अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगी। और वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करना। तो चलते हैं जी चाय पीते हैं फिर उसके बाद जो भी सीन हुआ अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जो इनके पापा के लिए मेहमान पापा के लिए पूरी बनाई थी ना, वो भाई ने दिया हमें धोखा, लेकिन खुद चला गया। तो बार बार हम लोग काले कर रहे थे, उन्होंने काल का जवाब भी नहीं दिया, अटेंड भी नहीं किया। अभी ये मैंने भोले से निकाल के हटी हूँ, ये डाल दी अभी दोबारा पतीले में, ख़राब ना हो रही शापू से निकाल के। ये जो छोले को सिलाइयाँ लगाई हुई थी, धागे पड़े हैं। कहते हैं कि इंसान किसी पे कितना भी एतबार कर लेना, कोई ना कोई लाजमी दूसरों पे इतना भी एतबार नहीं करना चाहिए। अब 10-15 हज़ार रुपया भी लगाया है, वो भी हर चीज़ उस तरह ज़ाया होगी। तो ये सारी हफ्ती मैं दोबारा डालती हूँ, नहीं थी इनके पापा की। पापा जी कितना पापा है, गलती से बली ना दे के खा जाना है। पापा आगे अभी मौसम चलाएगा, मेरे मैं खा में रोटी तो दे बेटा। आगे मौसम भी इतना ज्यादा सर्दी नहीं ना, ते वैसे तो मौसम चेंज हो गया, लेकिन खराब हां गर्मी आ गई। गर्मी में डेमो है मैंने खाया गर्मी में डेमो। गर्मियों के टाइम नहीं खाई थी, सर्दियों के टाइम ही खाई थी ना। गर्मी में आ जाए पापा ने पुना पापा वास्ते बात देनी है। तो अपने पापा वास्ते भी जा कर रखी जी। मेरे मन में पहले टेंशन होती है कि मेरे पापा ने पनीर रोटी खाधी है या नहीं खाधी, इस चीज़ ना खाधी है, ऐसी इस चीज़ ना खाधी है, मेरे पापा ने खाधी है या नहीं। जो भी ये पापा का फोन है ना, पहले इन्हें यही पूछना होता है कि पापा जी तुम रोटी खा ली है, कि चीज़ ना खाधी है, रज के खाधी है, तुम्हें चाय पीती है, इस तरह दल्ला इन्हें पूछनी होंगे। तो बेटे पूछते हैं, समीर बेटे ने पूछना होता है, पापा जी मेरी टच घड़ी लै लेगी। तो कबीर ने भी कहना मेरे वास्ते भी लैके आई। उन्होंने इस तरह दल करनी होंगे, इन्हें अपने पापा की सेहत तबीयत का पूछना होंगे, खाने छाने का पूछना होंगे सारा। बाजी हूँ भी हमें मन टेंशन लगी कि मम्मा जी पापा ने नहीं डिग्री लैके गया, फिर पापा मेरे खुद ही आके खान गए थे। वो मतलब वह यह कि तुम नहीं खाने, मेरे पापा नहीं खाने। तो इस वास्ते चलो जी की कह सकते हैं, धोखा तो देने वाले का भी अल्लाह भला करे। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਲਾਂ ਕਰ ਲੁਣਿਆ ਹੈ ਪਾਪਾ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਲੈਣਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਨੇ ਬਸ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਾਂਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਕੇ ਦੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਫੇ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦਾਣੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ
ਉਹੀ ਨਸੀਬਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪਾਪਾ ਜਿਸਾ ਦੀ ਕਹਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਖਾਣੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਕਹਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੋਰੀਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਬਸ ਜੀ ਭਲਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ सर्दी नहीं है इस वास्ते चलो जी की कर सकते हुण बच्चे आ गए स्कूल यूनिफॉर्म उतारनी कॉल की थी तो बात भी सही तरह नहीं हुई उनका बिल आ गया है जी 48,000 पता नहीं कितने रुपया है या कितने पैसे हैं इतना ज्यादा बिल जिस तरह फैक्ट्री का होता है क्योंकि उनको अपनी बिल की देख रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी फटोफट ना कपड़े प्रेस कर लूं वरना मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है कि इतना ज़्यादा बिल इंसान अदा कर सके तो इसलिए फटोफट यूनिफॉर्म बच्चों की सेकंड टाइम हो रहा है तो इस्त्री करके रख लेती हूँ बाकी कपड़े करूँगी बाद में तो पहले ये यूनिफॉर्म बच्चों की लाजमी है ये कर लेती हूँ क्योंकि इंसान की इतनी तो तनख्वाह है नहीं जितना जितना बिल आ रहा है बच्चों की स्कूल फीस भी बिल भी इंसान पता नहीं क्या करे या क्या ना करे तो इसी तरह की टेंशनें जो इंसान को आजकल ना ख़त्म कर रही हैं कि इंसान अपने घर का खर्चा किस तरह पूरा करे पूरा खर्चा करते करते ना कोई समझ नहीं आती कि किस टाइम इंसान ने अपना इस कोई टेंशन लेनी है मेरी तरह तो इंसान ने अपनी ज़िंदगी अभी जी बच्चों की यूनिफॉर्म मैंने कहा लाजमी है समीर बेटे की हुई है अमामा और कबीर की दो हैं ये कपड़े सारे धुले हुए हैं तो जितने लाजमी पहनने वाले वो कर लेती हूँ बाकी करूँगी बाद में और वैसे तय लगा के ना रख लेती हूँ एक तो मेरे पास जगह नहीं है ना मेरे पास कोई और सेफ है एक ही सेफ है ये बिस्तर वगैरह भी पड़े हैं कपड़े भी पड़े हैं आप इस तरह लंडा लगा हुआ अच्छा भी नहीं लगता तो लेकिन फिर भी सीधे पदरे साफ सुथरे प्रेस जब भी अगर इंसान ठीक हो ना ठीक हो ये काम अगर प्रेस वगैरह करके रख लूँ तो फिर जल्दी जल्दी इंसान पहन लेते हैं बच्चे फिर मुझे टेंशन नहीं होती खाना शाना बनाना होता है इस वजह से अभी जी अमामा की शलवार प्रेस हो गई है अभी दूसरी अमामा की शर्ट यानी कि कमीज प्रेस करती हूँ अगर बच्चों के कपड़े प्रेस हुए ना हो तो फिर भी पहनने को अच्छे नहीं लगते अगर प्रेस करें तो बिल इंसान पूरा नहीं कर सकता चलो जी जिंदगी के साथ ही हैं सभी के साथ हैं कौन सा अकेले हैं पूरे पाकिस्तान के साथ हैं पता नहीं क्या बनेगा इस दुनिया में हमारा हम सब का क्योंकि आजकल जिंदगी गुजारनी बहुत ज्यादा ना मुश्किल हो गई है अभी इस्त्री बंद करती हूँ और ये काम मात्री मचे वीडियो में आ रही हूँ
ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੰਮ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੀ ਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ